मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी टीटी नगर मंडल के प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ता बनकर हिस्सा लिया। उन्होंने वक्ताओं को सुना और उनकी बातें डायरी में नोट भी की। इसमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया गया, चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का आह्वान करने के साथ मोदी सरकार के कामों और शिवराज सरकार के जनहित के फैसलों की जानकारी दी गई। बीजेपी टीटी नगर मंडल का प्रशिक्षण वर्ग नर्मदा भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया। मुख्यमंत्री मंच पर जाने के बजाय कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठे। इस दौरान टीकमगढ़ के पूर्व अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह आत्मनिर्भर भारत सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को केवल सुनाई नहीं बल्कि डायरी में भी नोट किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, हर कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष, सभी पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सीएम होने का मतलब ये नहीं है कि केवल भाषण दूं। मैं इस मंडल के प्रशिक्षण में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि मेरा निवास इस क्षेत्र में आता है। हम में से कोई कुछ भी हो लेकिन पहले कार्यकर्ता है, अनिवार्य है कि हर कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में भाग ले, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, देश अध्यक्ष हो और पत्थर हो, भाग ले। इसका मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री आए तो भाषण दे, वो स्वयं भी प्रशिक्षण प्राप्त करे। एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते और इसलिए एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते प्रशिक्षण प्राप्त करने आज मैं प्रशिक्षण वर्ग में आया, तात्कालिक नगर मंडल के, और इस मंडल में इसलिए आया कि 74 बंगला इसी मंडल में पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से मेरा निवास है। देखिए, वैचारिक प्रशिक्षण देकर हमारे कार्यकर्ता को केवल इसलिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी, हमको कोई ना कोई पद प्राप्त करना है, सत्ता के स्वर्ण सिंहासनों पर विराजित होना है, बल्कि एक विशिष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी है। टीटी नगर के प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया गया। वक्ताओं ने बताया कि चीन के सामान का बहिष्कार करें, स्वदेशी सामान का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करने के लिए लोगों में जन जागरण अभियान चलाएं, लोकल के लिए वोकल का प्रचार कैसे किया जाए इसकी जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई। इस दौरान मुख्य रूप से मोदी सरकार के अहम फैसलों की जानकारी दी गई। कृषि कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए किसानों के बीच जाकर उन्हें बताने को कहा गया कि किस तरह यह कानून किसानों के जीवन में बदलाव ला सकता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।